भारत का इतिहास वो नहीं है जो हम परीक्षाओं के लिए पढ़ते और याद करते हैं। कुछ लोग बाहर से आए, पिता बेटे की हत्या करता रहा, भाई भाई को मारता रहा, सिंहासन के लिए संघर्ष होता रहा, यह भारत का इतिहास नहीं है। मैं नहीं कह रहा, मैं गुरुदेव की बात सिर्फ पढ़ रहा हूं। इस इतिहास में इस बात को तो वर्णन ही नहीं है कि तब भारत के नागरिक, भारत के लोग क्या कर रहे थे। क्या उनका कोई अस्तित्व ही नहीं था? साथियों, गुरुदेव ने अपने लेख में एक बहुत महत्वपूर्ण उदाहरण भी दिया था, आंधी और तूफान का। उन्होंने लिखा था, और टैगोर लिखते हैं, चाहे जितना भी तूफान आए, उससे भी ज्यादा अहम होता है कि संकट के समय, उस समय में वहां के लोगों ने उस तूफान का सामना कैसे किया। साथियों, गुरुदेव ने इस बात का ध्यान दिलाया था कि इतिहासकारों ने उस तूफान को घर के बाहर से ही देखा। जो लोग उस तूफान से निपट रहे थे, वो इतिहासकार उनके घर में गए ही नहीं। अब जो बाहर से देखेगा, वो तो सिर्फ तूफान ही देख पाएगा ना। उस तूफान से तब वहां के समाज ने, वहां के सामान्य मानवी ने कैसे मुकाबला किया, इस पर इतिहासकारों की नजर ही नहीं पड़ी।